दोस्तों नमस्कार। सितंबर महीने में कौन सी सब्जियां लगाएं जिसे हमें ज़्यादा फायदा हो? वैसे तो हम आम तौर पर सभी जानते हैं कि सितंबर में बारिश होती है और इसके साथ साथ इस समय शाम का तापमान थोड़ा ठंडा यानी दिन के समय गर्मी रहती है, लेकिन रात का तापमान थोड़ा सा नीचे चला जाता है। तो दोस्तों सितंबर महीने में कौन कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए जिससे मुनाफा अच्छा हो और बाज़ारों में हमारी सब्जियां पहले पहुंचे ताकि रेट अच्छे मिले? और आइए जानें। दोस्तों सबसे पहले सितंबर फर्स्ट में मूली लगाएं, जो 40 दिन के बाद ही हार्वेस्टिंग के लिए मिलेगी। इस समय इसकी डिमांड तथा भाव अच्छे होंगे, बस इसे मैट पर ही लगाना उत्तम होगा। दूसरा, चप्पल टिंडा लगाएं, क्योंकि यदि आप समय से पहले या आगेती फसल लगाते हैं तो 10 से 15 दिन तक उसके भाव बहुत अच्छे मिलते हैं और डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा फसल लेने के लिए वर्मी कंपोज या गोबर की खाद तथा मैड बना करके लगाएं। दोस्तों चप्पल टिंडा में ज़्यादा बीमारी नहीं आती। एक सफ़ेद मक्खी के कारण पत्तों पर पीलापन आता है। उसके लिए 20 दिन पुरानी 500 ग्राम लस्सी प्लस 100 ग्राम नीम ऑयल मिला करके छिड़काव कर दें। आप देखेंगे कि टिंडा स्वस्थ व साफ सुथरा होगा, जिसके कारण उसका भाव भी बाजार में अलग से मिलेगा। इसके बाद आप मेथी लगाए, मैड बनाकर बारिश के पानी की निकासी बना करके लगाएं। दोस्तों 40 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए मिलेगी। बस करना क्या है, मेथी को काट कर गुत्थी बना लें, जो 20 रुपये प्रति गुच्छी के भाव से आपको पैसे मिलेंगे। इसमें ज़्यादा खास बीमारी नहीं होती, बस पानी का ध्यान रखना है। दोस्तों इसके बाद आप लगाओ जुगनी, चाहे हरा या पीला कलर का हो। दोस्तों इसमें हर घर में तथा होटल में इसको बहुत पसंद किया जाता है। इसमें भी चप्पल टिंडे की तरह ज़्यादा बीमारी नहीं होती। इसमें भी आप लस्सी प्लस नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। बस आपने देखना ये है कि आपके पास हरा जुगनी की ज़्यादा डिमांड है या पीले जुगनी की ज़्यादा डिमांड है, उसी के मुताबिक आप जुगनी को लगा सकते हैं। ये फसल भी काफ़ी अच्छे भाव, यानी कि कम से कम 10 से 15 दिन तक ये 50 से 60 रुपये के जी बिकता है। इसके बाद आप लगाएंगे गाजर। दोस्तों मैड बना करके पानी की निकासी सही बना करके आप देसी का गोबर की खाद प्लस नीम खली को मिला करके मैड बनाएं। ये भी दोस्तों 50 से 55 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए मिलेगी। इसके भी भाव व डिमांड अच्छे होंगे। गाजर को उस समय घरों के अलावा होटल और शादी विवाहों में जो गजरेला बनता है, इसमें इसकी काफ़ी डिमांड होती है, जिसके कारण यह सब्जी सदाबहार मानी जाती है और ये 30 से 40 रुपए केजी के से कम नहीं आती। इसके बाद सब्जी बनाने वाली पंजाबी सरसों लगाओ। जब ये हार्वेस्टिंग के लिए आएगी, उस समय इसकी भी होटल व शादी विवाहों में इसको बहुत पसंद करते हैं। घरों में न केवल पंजाबी, अब तो सभी इसका पूरा आनंद लेते हैं। इसलिए दोस्तों यह भी काफ़ी फायदेमंद मानी जाती है। दोस्तों फिर
शिमला मिर्च लगा सकते हैं। यदि शिमला मिर्च की नर्सरी है तो बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं है तो नर्सरी से पौधे लगा कर ला करके 15 सितंबर तक इसे लगाना चाहिए। जब इसका हार्वेस्टिंग का समय आएगा तब उसकी डिमांड व भाव बहुत ही शानदार होंगे, जिसके कारण किसान मालामाल होगा। इसके बाद टमाटर लगा सकते हैं। वैसे तो कुछ भाइयों ने अगस्त पहले सप्ताह में टमाटर लगाए हुए हैं, लेकिन यदि किसी भाई ने नहीं लगाए हैं तो सितंबर में टमाटर भी लगा सकते हैं, इससे भी काफ़ी फायदा होगा। दोस्तों, इसी महीने में आप फूल गोभी की नर्सरी लगा सकते हैं, और यदि किसी नर्सरी से पौधा मिले तो फूल गोभी भी लगा सकते हो। गेती फसल हमेशा किसान के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, क्योंकि शुरुआती 15 से 20 दिन तक डिमांड व भाव उस सब्जी के अच्छे मिलते हैं, जिसके कारण किसान का फायदा होता है। दोस्तों, इसके बाद आप आल प्याज लगा सकते हो। आल प्याज क्या होते हैं, जो घर के अंदर छोटे छोटे गंठे रह जाते हैं, प्याज रह जाते हैं, उसको डोलों के ऊपर लगाना, और इसका बीज भी आता है उसको भी आप लगा सकते हैं। ये पकेगा नहीं नीचे से, ये कच्चा ही खाया जाता है, ये भी इस समय आप लगा सकते हैं। इसके बाद कम खर्चे वाली और ज़्यादा फायदे वाली सब्जी पालक, धनिया, मेड़ बना करके गोबर की खाद और नीम खली को मिला करके अच्छी ही मेड़ बना करके इसको आप लगाएं। इसकी भी डिमांड पूरी साल चलती है, और इसको करना कुछ नहीं है, काट करके गुच्छी बना करके आपने सप्लाई करना है। धन्यवाद।